नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित केसर। दर्शकों, राजौरी पुंछ की आवाम की एक दरीना मांग थी कि यहां पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है और अक्सर यहां पर एक्सीडेंट्स हुआ करते हैं और यहां पर इलाज होना नामुमकिन है। इसलिए लोगों को यहां से जम्मू रेफ़र किया जाता था और बड़े दूसरी स्टेट्स में जो है रेफ़र किया जाता था। लेकिन अब यहीं पर मेडिकल कॉलेज का भी अनाउंस हुआ और अगले साल जो है मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार भी हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो बच्चे हैं जिन्होंने MBBS करनी है, उन्हें यहाँ से जम्मू जाना पड़ता था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था, दिल्ली जाकर जो है उन्हें MBBS करनी पड़ती थी। लेकिन अब जो है राजौरी के अंदर ही जब तक के मेडिकल कॉलेज बनता तब तक जो है फर्स्ट बैच जो है मेडिकल कॉलेज का यहीं पे इसी जगह पे जो है अपना जो है MBBS का जो कोचिंग है वो यहाँ पे जो है पूरी करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बड़ा ये हाल है और यहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है। 100 बच्चों की रजिस्ट्रेशन होनी है, 100 सीट्स अवेलेबल हैं जिनमें से 92 बच्चों ने जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है और जिनमें से 8 बच्चे वो भी जल्द ही जो है अपनी एडमिशन्स करवा लेंगे। और अगले महीने अगस्त से जो है बच्चों ने जिन बच्चों ने MBBS के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाई है वो यहाँ पर जो है अपनी क्लासेस में बैठेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हाल बनाया गया है और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बताऊँगा कि वो आपको सामने दिखाएंगे कि यहाँ पे इस हाल में जो कितने अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही है। फ़ैन है यहाँ पे, प्रोजेक्टर है, इसके साथ साथ यहाँ पे माइक है, लेक्चर स्टैंड है, हर एक फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो है दी जा रही है। अभी हालांकि राजौरी में पहली बार जो है ये मेडिकल कॉलेज अनाउंस हुआ है, लोगों के अंदर काफ़ी खुशी और उमंग भी है। तो इसी के साथ साथ जो है हम ये भी चाहते हैं कि सरकार जो आने वाली सरकार होगी और हमारे जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसी तरह के डेवलपमेंट के और भी काम करे और राजौरी और के लोगों की जो मुश्किलात हैं उनका हल निकालती रहे। मेरे सहयोगी राहुल वर्मा के साथ राजौरी से द पब्लिश न्यूज़ के लिए मैं अंकित केसर।